एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने तक पाताल में शयन करते हैं। ये 4 महीने चातुर्मास कहलाते हैं। चातुर्मास को भगवान की भक्ति करने का समय बताया गया है। इस दौरान कोई मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाते। इसके दौरान जितने भी पर्व, व्रत, उपवास, साधना, आराधना जब तक किए जाते हैं उनका विशाल स्वरूप एक शब्द में चातुर्मास से कहलाता है। चातुर्मास से 4 मास के समय का बोध होता है और चातुर्मास से इस समय के दौरान किए गए सभी पर्वों का समग्र बोध होता है। पुराणों में इस चौमासे का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। भागवत में इन 4 माहों की तपस्या को एक यज्ञ की संज्ञा दी गई है। वराह पुराण में इस व्रत के बारे में कुछ उदारवादी बातें भी बताई गई हैं। शास्त्रों व पुराणों में इन 4 माहों के लिए कुछ विशिष्ट नियम बताए गए हैं। इसमें 4 महीनों तक अपनी रुचि व अविष्टानुसार नित्य व्यवहार की वस्तुएं त्यागना पड़ती है। कई लोग खाने में अपने सबसे प्रिय व्यंजन का इन माहों में त्याग कर देते हैं। क्योंकि यह विष्णु व्रत है इसलिए 4 माहों तक सोते जागते उठते बैठते ओम नमो नारायणाय के जप की अनुशंसा की गई है। इन 4 माहों के दौरान शादी, विवाह, उपनयन संस्कार व अन्य मंगल कार्य वर्जित बताए गए हैं। 4 मास की अवधि के पश्चात देवोत्थान एकादशी को भगवान जागते हैं। पौराणिक महत्व की दृष्टि से भी इस एकादशी का बहुत महत्व है। पुराणों के अनुसार बलि नाम के राजा ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, इसलिए इंद्र घबराकर विष्णु जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। देवराज इंद्र के विनती करने पर विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में देने के लिए हाँ कर दी, परंतु भगवान वामन ने विशाल रूप धारण करके 2 पग में धरती और आकाश नाप लिया और 3रा पग कहाँ रखे। जब यह पूछा तो बलि ने कहा कि उनके सिर पर रख दे। इस तरह विष्णु जी ने बलि का अभिमान तोड़ा तथा तीनों लोगों को बलि से मुक्त करवा दिया। राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने बलि से वर मांगने के लिए कहा। बलि ने वरदान मांगते हुए विष्णु जी से कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक चलें और हमेशा वही निवास करें। भगवान विष्णु ने बलि को उसकी इच्छा के अनुसार वरदान दिया तथा उसके साथ पाताल चले गए। यह देखकर सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठे। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस लाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। देवी लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया तथा राजा बलि के पास पहुंच गई। राजा बलि के पास पहुंचने के बाद उन्होंने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया। बदले में भगवान विष्णु को पाताल से मुक्त करने का वचन मांग लिया। भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश चाहते थे, इसलिए उन्होंने बलि को वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। यही कारण है कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक लोक की एकादशी तक योग निंद्रा में रहते हैं। उनका वापस वामन रूप में भगवान का अंश पाताल लोक में होता है। यानी एकादशी व्रत विधि। देवशनि एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, पहले घर की साफ सफाई करें, उसके बाद स्नान आदि कर शुद्ध हो जाएं। घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु के सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की मूर्ति स्थापित करें, इससे उसका शोरोपचार करें। भगवान विष्णु को पीताम्बर अर्पित करें, व्रत की कथा सुने, आरती कर प्रसाद वितरण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दक्षिणा देकर विदा करें। अंत में सफेद चादर से ढके गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु भगवान को शयन आवें, स्वयं धरती पर सोए। धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि व्रत रखने वाला चतुर्मास नियमों का पूर्ण रूप से पालन करे तो उसे देवशयनी एकादशी का संपूर्ण फल मिलता है। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से देवशयनी एकादशी का महत्व जानना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा।
इस अकाल में चारों ओर त्राही त्राही मच गई। राजा ने का यह हाल जाकर देखा और उनसे उनकी व्यथा सुनी। राजा मानधाता यह देखकर बहुत दुखी हुए। इस समस्या का निदान जानने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां वे एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अंगिरा ऋषि ने उनके जंगल में घूमने का कारण पूछा तो राजा ने अपनी समस्या बताई। तब महर्षि अंगिरा ने कहा कि सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं, जबकि आपके राज्य में एक अन्य जाति का व्यक्ति तप कर रहा है। इसलिए आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक उसका अंत नहीं होगा तब तक यह अकाल समाप्त नहीं होगा। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध तपस्वी को मारने को तैयार नहीं हुआ। तब महर्षि अंगिरा ने राजा को अषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। राजा के साथ ही सभी नागरिकों ने भी देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बोलिए भगवान विष्णु की जय। जय श्री कृष्ण।